बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातुहू। मेरे प्यारे बच्चों, आज क्या बना रहे मालूम है? सुरमई मच्छी का पुलाव, एकदम टेस्टी हमारे तरीके से। एक टेबल स्पून हमने कश्मीरी और तीखी लाल मिर्च ली है घर की बनी हुई, एक टी स्पून हल्दी है, एक टेबल स्पून धनिया है, एक टेबल स्पून जीरा है, आधा टेबल स्पून काली मिर्च है, एक टेबल स्पून गर्म मसाला है, स्वाद अनुसार नमक है और चाट मसाला एक टेबल स्पून है। अभी पूरा मिक्स करेंगे अच्छे से, पूरा मसाला मिक्स करने का। अभी क्या करेंगे, आधा मसाला हम मच्छी फ्राई में लगाएंगे, आधा पुलाव के लिए रखेंगे। देखो ऐसी इसी तरीके से अगर पुलाव बनाएंगे मच्छी का तो बहुत टेस्टी बनेगा, एकदम खाते रहेंगे, घर वाले खुश हो जाएंगे। देखो अभी इसको अच्छा मसाला लगा के इसके अंदर एक नींबू का रस डालेंगे। देखो ये दो नींबू का रस है, एक डालेंगे अभी और एक हम इसमें पुलाव में रखेंगे। अभी इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स हो गया, अभी इसको साइड में रखेंगे आधे घंटे के लिए। अभी तेल गरम हो गया, आधा घंटा हो गया, अभी मच्छी को फ्राई करेंगे। पलट पलट करके अच्छे से मच्छी को फ्राई करेंगे। आधा किलो की सुरमई मच्छी है, ज्यादा बड़ी नहीं है। ये देखो आधा किलो चावल, आधा किलो मच्छी, पलट पलट करके इसको बनाएंगे, फ्राई करेंगे। मच्छी फ्राई हो गई, अभी इसको निकालेंगे। इसी तरीके से बनाओ, एकदम टेस्टी बनाने का, टेस्ट करने का। वही मच्छी का हमने तेल ले लिए और मसाला भी ले लिया, मच्छी को अलग कर दी, यही तेल में बनाने का है पुलाव। तो इलायची डालें, एक चक्री फूल डालेंगे, एक टेबल स्पून जीरा डालेंगे, देखो काली मिर्च डालें और इलायची बड़ी वाली डालें, चक्री फूल छोटा सा डालें इसके लिए कि आधा किलो चावल है ना, वो एक छोटा चक्री फूल चलेगा। तब गरम मसाला हो गया, अभी हरी मिर्च अपने स्वाद अनुसार उसको चीर के डालने की, मतलब काट के डालने की। अभी आधा प्याज डालें, प्याज बहुत महंगा हो गया है ना, इसलिए आधा प्याज डालें, आपको चाहिए तो पूरा प्याज डालो, स्वाद अनुसार नमक, नमक उसे पहले से है और थोड़ा सा डालें। अभी इसको अच्छे से भूनेंगे जरा, अभी एक टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, इसका कच्चापन जाने तक इसको भूनेंगे। कच्चापन चला गया इसका, अभी जो मसाला आधा बचा के रखे थे ना वो डालेंगे। दो टमाटर भी पीस के डाले हाँ, मसाला अच्छे से भून के हो गया। ये देखो ये मसाला डाले, उसके पहले हम टमाटर डाले थे हाँ, पीस के, दो टमाटर पीस के डाले थे। हर चीज महंगी हो रही, क्या करने का, कैसा खाने का, कैसा बनाने का समझ में नहीं आते।
क्या करेंगे, कम खाने का, अभी कम बनाने का और कम खाने का, क्योंकि बहुत महंगाई हो गई। ये देखो एक आज छोटा सा गाजर है वो डाल दिए काट के। हमारी गुड़िया साथ में बनाने के लिए है। हाँ दो गिलास पानी डालेंगे। देखो दो गिलास पानी डाले, अभी इसको उबाल आने देंगे। उबाल आ गया, अभी चावल धो के डालेंगे। बासमती चावल है ये देखो, बिरयानी के चावल, बासमती चावल आधा किलो चावल है। अभी इसको अच्छे से पकाएंगे, पूरा 100% पकाएंगे इसको, मतलब उबाल के पानी नहीं फेंकेंगे। पाव किलो हमने वटाना डाले ताजा वाले, हम फ्रीजर करके रखते वटाना, अभी वटाना बहुत महंगा हो गया है, कोथमीर डाल दी। अभी अच्छे से मिक्स करके ढककर रखेंगे, सूखने तक पकाएंगे। अच्छी खुशबू आ रही है, ऐसा तुम भी बनाओ, अपने परिवार को खिलाओ, खुश करो सबको। देखो सूख गया, ये देखो अच्छे से सूख गया है। देखो थोड़ा सा पानी बाकी है और 5 मिनट थोड़ा ढक्कन रख के पकाएंगे। देखो अच्छे से पक के पुलाव तैयार है एकदम फर्स्ट क्लास। सुरमे मच्छी का पुलाव एकदम टेस्टी बनाने का, टेस्टी खाने का। कोई भी मच्छी आप ले सकते हैं, हमने सुरमे मच्छी लिए। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बेल बजाओ। मेरी रोज की अलग अलग नई नई रेसिपी आपको देखने को मिलेगी। प्लीज अल्लाह हाफिज।